इनका ही बच्चा है। इसी का बच्चा कैसे हो जाएगा? इसका बच्चा ही तो 2 साल से घर पे ही नहीं आया। और अब ये तुम सपनों में आके प्यार करते थे। हाँ, सपनों में आके प्यार करते थे। सपनों में आके प्यार करने से कौन से बच्चे हो जाते हैं? मैडम बताना जरा मेरे को, सच में तू सपनों में आ रही है? सपनों में आता था? चक्कर चल रहा है। अबे भाई, तू सपनों में आता था या फिर सच में ही आ जाता था? नहीं, मैं तो आया ही सपनों में। कभी भी नहीं आया? नहीं आया। तो फिर भाई, आपका नाम है राजन जी? क्या हुआ राजन भाई, इतने फोन कर दिए, क्या दिक्कत है भाई? ये मेरी बीवी है। अच्छा, शादी को 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, 2 साल हो गए। और मैं शादी के तुरंत बाद ही बाहर चला गया था काम करने के लिए। अच्छा, जॉब करने के लिए बाहर चला गया था? जॉब करने के लिए बाहर चला गया था। अच्छा, फिर जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे पता लगा है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। मतलब आप कब आए हो? मतलब 2 साल बाद आया हूँ। 2 साल बाद घर पे आए हो आप अपने, तो ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्रेग्नेंट हो चुकी है मतलब? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहा है मैडम ये? इनका ही बच्चा है। इसी का ही बच्चा कैसे हो जाएगा? इसका बच्चा ही तो 2 साल से घर पे ही नहीं आया। और अब ये तुम सपनों में आके प्यार करते थे। हैं? सपनों में आके प्यार करते थे। सपनों में आके प्यार करने से कौन से बच्चे हो जाते हैं? मैडम बताना जरा मेरे को, आपको क्या लेना देना? नहीं, सपनों में आके मुझे तो बताओ, ये कौन सा कनेक्शन जोड़ा है? 5G 6G आपने तो, ये सपनों में आके कोई प्यार कर जाएगा तो बच्चा आप प्रेग्नेंट हो जाओगी क्या? जुड़ा है, आपको क्या लेना देना, हमारे बीच की बात है। अबे ये तेरे को पागल बना रही है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तू सपनों में आके क्या बच्चा हो जाएगा? तेरे में भी तो नहीं, समझ होगी, नहीं हो सकता ना ऐसे। तो फिर ये क्या बता रही है? ये सच में तू सपनों में आ रही है? सपनों में आता था? चक्कर चल रहा है। अबे भाई, तू सपनों में आता था या फिर सच में ही आ जाता था? नहीं, मैं तो आया ही सपनों में। कभी भी नहीं आया? नहीं आया। तो फिर मैडम, कोई और दूसरी जगह चक्कर चक्कर चल रहा है क्या आपका? भैया कैसी बात कर रहे हो? तो ये सच है कि ये सपनों में आके आपसे प्यार करता है? वही तो मैं कह रही हूँ इतनी देर से। अच्छा जी, सपनों में आता है आपके पास? आता है भाई सपनों में? तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं आया। एक बार तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई भाई? वही तो कह रहा हूँ, वही तो समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं बस अभी तो परेशान हूँ। मैडम देखो, जो भी आप जो देखो, ये तो आप साफ झूठ बोल रहे हो। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि सपनों में आके कोई प्यार करे यार बच्चा हो जाए। जो भी सच है ना, वो सच सच बता दो। क्यों घुमा रही हो? बेचारे आदमी को भी परेशान कर रही हो। 2 साल बाद ही अपने घर आया और आपका एटीट्यूड देख कर और आपका, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको पागल बना रही हो। और इसको देखो भाई, ये कहीं से लग रहा है समझ, इसके और इसकी जोड़ी लग रही है कि ये दोनों मियाँ बीबी हैं? जबरदस्ती शादी हो रखी है क्या तुम्हारी? आपको क्या लेना देना? तो मैडम क्यों फिर एक आदमी को क्यों पागल बना रही हो ये बताओ। हमारे बीच का मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। उसने मुझे बुलाया है कि भाई मेरी बीवी, हम सॉल्व कर लेंगे ना। कैसे सॉल्व होगा ये तो बता, तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तभी तो तुझे बुलाया है मैंने इनको। बताओ ना मैडम, सपनों में आके कौन सा प्यार करके बच्चा हो जाता है ये तो बता दो। क्यों इतना झूठ बोल रही हो? मेरा दिमाग मत खाओ। हाँ, दिमाग मत खाओ। मैं ना बहुत कुछ, बस मेरा दिमाग आप खराब कर रहे हो। क्यों किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो? अगर आपकी लाइफ में कोई और है। आप जाते क्यों नहीं हो? हमारे बीच का मैटर है ना, कितनी बारी बोलो, समझ नहीं आ रहा क्या मैटर है? कि आप इसे पागल बना रही हो कि सपनों में आके ये प्यार कर गया है? सपनों में आके प्यार कर गया, आप प्रेगनेंट हो गई है? हाँ भाई, ये तेरे को भाई सही बता रहा हूँ, ये तेरे को पागल बना रही है, तेरे को ये भोंदू समझ रही है, सही बता रहा हूँ। ये मेरा काट रही है अच्छे वाला। हाँ? और मैं समझता हूँ। तो अब तू क्या चाहता है इससे? मैं चाहता हूँ मेरी डिवोर्स चाहिए। मुझे डिवोर्स चाहिए तो हाँ। इसको तलाक दे दो ना मैडम। जब अगर आप अगर किसी और से आप देखो, मैं गलत नहीं बोल रहा, मेरे को गलत समझना भी मत, पर जो आप बात बता रही हो ना, वो बात सुन के तो हर कोई ही हंसेगा कि तुम कह रही हो सपने में आके प्यार करके चला गया। कौन ये कौन सी कहानी है? नई कहानी आज पहली बार सुन रहा हूँ मैं ये। हैं, क्या है आपका, बता दो ना, अब साफ कह दो और सुखी रहो। जो बात है अपने सच्चाई बोल के चलो ना, झूठ क्यों बोल रही हो कि इसका बच्चा है? सपनों में आके प्यार करके गया, बताओ यार, सपनों में आके प्यार कर गया। कुछ बोलोगी या ऐसी खड़ी रहोगी? क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? अरे तो बताओ तो सही, क्या चक्कर है, कैसे हो गया आप प्रेग्नेंट? आपको क्या जानने की चुल मची है? आप जाते क्यों नहीं हो? मेरे चुलिए मची है, इस भाई ने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाई है। ठीक है, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं ना आप जैसी लड़कियों को सीधा करता हूँ, जो अपने घर वालों को कुछ नहीं समझते, अपने पतियों को कुछ नहीं समझते और बाहर उनका चक्कर। मैं तेरे को सच बताऊँ यार, इसका ना कहीं बाहर चक्कर अक्कर चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अरे वो तो है, तू तो खुद भोंदू सा, तेरे समझ में नहीं आ रही। अरे मैं तो घर पे बोलने से डर रहा हूँ। क्या ये चीजें बताते हुए शर्म भी आ रही है मुझे घर पे? मैडम जो भी बात है ना, आप खुल के मुझे बताओ क्या बात है। अगर आपको इससे कोई दिक्कत है या आपको ये मारता पीटता है इसलिए आप ये ड्रामा, ये झूठ बोल रही हो, या फिर क्या बात है? सच जो भी बात है, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। क्या ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। देखो क्या सीन है, एक्चुअली
मेरा बॉयफ्रेंड था, शादी से पहले था। अच्छा। एंड मैंने घर में बोला था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, बट वो नहीं मान रहे थे और जबरदस्ती। आपके घर वाले? हाँ। अच्छा, फिर जबरदस्ती प्रेग्नेंट, मतलब जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी इसके साथ। हाँ हाँ भैया, ऐसा कुछ है क्या जबरदस्ती शादी? मुझे पहले बताती। अच्छा, फिर एक मिनट रुक जा, सुनने दे यार, जब वो कुछ बताना चाह रही है तो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि अच्छा हो जाती शादी हमारी। तो आप ये कहना चाहते हो अब अपने बॉयफ्रेंड से अभी भी मिलते हो? हाँ। और ये बच्चा उसी का ही है? 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ मैं और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मतलब ये जब ये यहाँ पर नहीं था तो वो आपके आपसे मिलने आपके घर आता था? हाँ। तो जब ये सब कुछ, भाई सुन ले, ये ड्रामा जो जो खिचड़ी पकाई गई है, ये सब कुछ तेरे को पागल बनाने के लिए किए गई है कि तेरा बच्चा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरे को पागल बना रही थी कि सपनों में आके तू प्यार कर गया, प्यार कोई और ही कर गया, समझ गया? तो मैं समझ रहा हूँ। और समझ रहा है ना, तो अब ये भी समझ कि तेरी वो जबरदस्ती तेरे साथ रह रही है, तेरी लाइफ नहीं चलेगी इसके साथ, क्योंकि ये रहना ही नहीं चाहती। रहना चाहती हो आप इसके साथ? मैं क्यों रहूंगी? मैं तो खुद ही कह रहा हूं, डिवोर्स दे दे कोई बात, तू मुझसे अलग हो जा। मैं यही चाहती थी पता है, लेकिन फैमिली का इशू आ रहा था, वरना आपने देखा है मेरा स्टैंडर्ड, मेरे को देखो, इसको देखो। ये बात तो आप सही कह रहे हो, स्टैंडर्ड इसका देखकर, आपका देखकर और इसका देखकर, तो भाई देख बुरा। मैंने क्या सोच के शादी की, मैं तो अभी भी समझ नहीं आता। मैडम देखो, पहली बात तो कपड़े से कभी किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए, पर अगर आपकी नहीं बन रही है जो भी आपका अफेयर वगैरह चल रहा है, तो उसको बिठा कर बताते। आप कह रहे हो उसे ये सपनों में आके प्यार कर गया, अब ऐसा है उस लड़के से आप अपने घर में बात करो और साफ साफ, और सुन तू छोड़ देगा तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो छोड़ दूंगा, वरना तू तो खाली खाद डालता रह जाएगा और फूल कोई और लगा जाएगा। तो मैडम आप ऐसा है, इसको आप दोनों के लिए यही भलाई है, आप दोनों के साथ नहीं बन सकती। वो तो मुझे पता ही है ना, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वरना मैं यहाँ होती नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है। चलो मैडम कोई बात नहीं, अगर आपकी नहीं बन रही है ना तो आप इसको छोड़ दो, ठीक है भाई? ठीक है, तेरी जिंदगी इसके साथ नहीं चल सकती, तू इसको छोड़ देगा तो ही तेरे लिए अच्छा है। अभी तेरे लिए तुम, तेरी उम्र बहुत है, कर सकता है तू दूसरी शादी, जबरदस्ती की चक्की मत चलाओ, आगे बढ़ो, अच्छा करो, ठीक है भाई? देख लड़की जिस तरीके से हिल रही डुल रही है, भाई बुरा मत मानियो, देख इसके ना रंग ढंग सही है ही नहीं, और ये तेरे मतलब तू एक शरीफ सीधा साधा बंदा, घर परिवार को चलाने वाला, ये तेरे साथ नहीं चलेगी। बंद कर रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं इसकी भाई बंद करके ही सुनूंगा और देखता हूँ क्या सोल्यूशन होता है।